हेलो एवरी वन वी आर रीडिंग द चैप्टर नंबर एट ऑफ सिविक्स फॉर क्लास सेवन्थ दैट इज़ अ शर्ट इन द मार्केट और अभी तक हम इस चैप्टर में रीड कर चुके हैं कि किस तरह से एक प्रोडक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल से होकर गुजरता है हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था एक कॉटन शर्ट का और हमने देखा था कि किस तरह से कॉटन जो है बाज़ार में बेची जाती है बाय द फार्मर्स और एक्सप्लॉयट किया जाता है बाय द ट्रेडर्स और उसके बाद हमने uh, पुटिंग आउट सिस्टम पढ़ा था लास्ट पार्ट में पुटिंग आउट सिस्टम क्या है कि जो मर्चेंट्स हैं इरोड मार्केट का एग्जांपल हमने लिया था कि मर्चेंट जो हैं वीवर्स को सप्लाई करते हैं यान और बदले में उनसे फिनिश्ड क्लोथ लेते हैं तैयार कपड़ा लेते हैं और इसको इस सिस्टम को पुटिंग आउट सिस्टम क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें मार्केट का इंतज़ार नहीं करना होता वीवर्स को उनको मार्केट जो प्रोवाइड करवाते हैं वो कौन होते हैं मर्चेंट्स यानी मर्चेंट ही ऑर्डर लेते हैं और बड़े बड़े गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री से ऑर्डर लेते हैं जिस तरह का कपड़ा बनाना होता है फिर वो उसी तरह का धागा जो है वीवर्स को देते हैं और बदले में उनसे तैयार कपड़ा ले लेते हैं और उनकी जो भी वेजेस बनती हैं वो उनको देते हैं तो इसी सिस्टम को पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाता है कि रॉ मटेरियल भी उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और जो तैयार माल है यानी फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है जो कपड़ा है वो भी उन्हीं के द्वारा आगे सेल किया जाता है आगे मार्केट उसकी उन्हीं के द्वारा चलाई जाती है तो आज हम आए हैं नेक्स्ट पार्ट पे दैट इज़ द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली तो आइए पढ़ते हैं कि दिल्ली के नज़दीक जो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री हैं वो किस तरह की हैं और उनमें क्या क्या होता है द इरोड मर्चेंट सप्लाईज़ द कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस बाय द वीवर्स टू अ गारमेंट एक्सपोर्ट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज़ द क्लोथ टू मेक द टू मेक शर्ट्स तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री जो है सप्लाई की जाती है जितना भी इरोड मर्चेंट इरोड के मर्चेंट जो है कपड़ा बनवाते हैं वो किसको सप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज़ को वो जो दिल्ली के नज़दीक ज़्यादा हैं फैक्ट्रीज़ ऐसी गारमेंट फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसी फैक्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं ये विले मर्चेंट्स और उसके बाद है वो फैक्ट्रीज़ में क्या होता है कि उन क्लोथ से शर्ट्स बनाई जाती हैं और द शर्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स जितने भी फॉरेन बायर्स होते हैं यानी विदेशी जो खरीदने वाले होते हैं उन शर्ट को ख़रीद लेते हैं उन शर्ट के ऑर्डर क्योंकि उन्होंने दिए होते हैं तो ये जो शर्ट्स हैं ये गार्मेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में बनकर एक्सपोर्ट हो जाती है कहाँ पर फॉरेन में उसके बाद है अमंग फॉरन बायर्स द बिज़नेस पर्सन फ्राम यू एस एंड यूरोप हु रन अ चेन ऑफ स्टोर्स क्योंकि उनके बहुत सारे स्टोर होते हैं बहुत सारी दुकानें होती हैं उनकी थ्रू आउट द यूरोप तो दीज लार्ज स्टोर डू बिज़नेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स ये जो स्टोर वाले होते हैं यानी ये जो एक्सपोर्टर होते हैं जो भारतीय कपड़ों को खरीदते हैं विदेशों में रह के तो इनके जो रूल्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत ही इनकी टर्म्स और कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री को जैसा ये चाहेंगे वैसा ही कपड़ा वैसी ही शर्ट्स इनको देनी पड़ेंगी और क्वालिटी में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइज़ फ्राम द सप्लायर्स अब वो क्या चाहेंगे जो फॉरेन में रहने वाले जो कपड़ा विक्रेता हैं जो बेचते हैं शर्ट्स वो चाहते हैं कि उनको कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छी शर्ट मिल जाए तो इन एडिशन दे सेट अप हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी और उन्हें क्या क्या चाहिए टाइमली डिलीवरी चाहिए यानी डिलीवरी में कोई भी डिले नहीं होना चाहिए तो हम देख सकते हैं ये कुछ स्टैंडर्ड्स uh, हैं जो उनके द्वारा सेट किए गए हैं दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ़ प्रोडक्शन यानी जो प्रोडक्शन की क्वालिटी हो यानी जो शर्ट्स बनाई जाए वो फ़ाइन क्वालिटी की हो उनकी स्टिचिंग जो की जाए वो फ़ाइन क्वालिटी की हो प्लस टाइमली डिलीवरी भी चाहिए इन्हें यानी समय से डिलीवर हो जाए ऐसा ना हो कि इन्होंने अगर सिक्स मंथ का टाइम दिया है तो वो वन ईयर लग जाए कंप्लीट होने में उतने ऑर्डर को तो ऐसा भी नहीं चाहते ये और इनकी टर्म्स और कंडीशन पर काम करना पड़ता है गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज़ को सो द एक्सपोर्टर ट्राइज इज़ बेस्ट टू मीट the कंडीशन सेट uh, the by these पावरफुल बायर्स तो इसी लिए एक्सपोर्टर होते हैं एक्सपोर्टर यानी जो भारत में रहकर इनकी डिमांड्स पूरी करते हैं यानी जो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री हैं वो कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दें टू मीट द कंडीशन सेट बाई दीज पावरफुल बायर्स क्योंकि ये बायर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं उनको तो इसी लिए एक्सपोर्टर पूरी कोशिश करते हैं जो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज हैं वो पूरी कोशिश करती हैं कि इनकी कंडीशंस पे खरा उतरा जाए उसके बाद हम बात करेंगे फेस्ड विद सच प्रेशर फ्रॉम द बायर्स द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री इन टर्न ट्राई टू कट कॉस्ट अब इन्हें सस्ते दामों पर एक्सपोर्ट भी करना है गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री को तो ये क्या करेंगे तो ये हर चीज़ में से पैसे बचाने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम दामों में वो तैयार माल दे पाएँ आगे इन टर्न दे ट्राई टू कट कॉस्ट दे गेट द मैक्म वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोएस पॉसिबल वेजेज तो ये मजदूरी बहुत कम देते हैं वर्कर्स को और चाहते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना दिस वे दे कैन मैक्सीमाइज देअर ओन प्रॉफिट एंड ऑल्सो सप्लाई द गार्मेंट्स टू फॉरन बायर्स एट अ चीप प्राइस तो ऐसा क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं ताकि शर्ट बनाने में ये कम से कम पैसा खर्च करें और अधिक से अधिक जो है प्रॉफिट कमा पाएँ फॉरन बायर से द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री हैज़ सेवेंटी वर्कर्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कौन सी फैक्ट्री है ये इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री जो कि डेली में है और उसमें टोटल वर्कर्स हैं सेवेंटी तो ये एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है आपके सामने और मोस्ट ऑफ दैम आर वुमेन तो यहाँ पर जो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री है उसमें ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो कौन है वुमेन क्योंकि सिलाई का काम होता है कटाई का काम होता है कपड़े की तो इसलिए ज़्यादातर वर्कर्स जो हैं वो वुमेन है मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन द टेम्प्ररी बेसिस दिस मीन दैट द दैट वट एवर द वर्कर्स कैन बी आज टू ली वैन एवर द वर्कर्स कैन बी आज टू लीव तो अब जो है ये टेम्प्ररी बेसिस पे काम कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर नॉट रेगुलर दे आर नॉट परमानेंट वर्कर तो इनको जब चाहे काम से निकाला जा सकता है जब फैक्ट्री के पास ऑर्डर आते हैं तो वो मजदूरों को रख सकती है जब उसके पास ऑर्डर्स नहीं हैं जब उसके पास कोई काम नहीं है तो वो इनको जब चाहे निकाल सकती हैं बिकॉज दे आर नॉट परमानेंट दे आर टेम्प्रेरी वर्कर्स वर्कर्स वेजेज़ आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स तो इनके जो वेजेस हैं इनकी जो मज़दूरी हैं वो फिक्स हैं द हाइएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर टेलर हु गेट अबाउट रुपीज थ्री थाउजेंड पर मंथ जो सबसे ज़्यादा जिसको मिलते हैं वैसे वो कौन है टेलर और टेलर की जो सैलरी है मंथली वो कितनी है थ्री थाउजेंड रुपीज़ यानी तीन हजार रुपये पर मंथ वो देते हैं टेलर्स को वुमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर द थ्रेड कटिंग वुमेन को रखा गया है थ्रेड कटिंग के लिए यानी धागे जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको कटने के लिए बटनिंग बटन button लगाने के लिए आयरनिंग के लिए प्रेसिंग के लिए यानी और पैकेजिंग के लिए पैके पैकेजिंग करती हैं वो शर्ट्स की जो तैयार शर्ट्स हैं उनकी तीस जॉब्स हैव द लोएस्ट वेजेस और इनकी जो वेजेज हैं वो बहुत ही कम है तो यहाँ आ कुछ वेजेस लिखे हुए हैं कुछ एक आ, आपको उनके जितने जितना उनको मजदूरी मिलती है वो लिखी हुई है इस टेबल में टेलरिंग के आप देख सकते हैं रुपीज़ थ्री थाउजेंड है आर्निंग के पर पीस के उनको वन पॉइंट फिफ्टी रुपीज़ मिलते हैं चेकिंग के यानी वो जो भी प्रोडक्ट उन्होंने पैक किया है वो सही है या नहीं है तो टू थाउजेंड रुपीज़ मिलते हैं पर मंथ थ्रेड कटिंग और बटनिंग के फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ मिलते हैं तो द शर्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स अब यही शर्ट जो इंडिया में बनकर यूनाइटेड स्टेट्स में पहुँच जाती है तो इसकी क्या कीमत होती है या ये इसका क्या मैं कहूँगी वैल्यू होती है वो देखते हैं

इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर देखें तो ये लगभग अठारह सौ रुपये बनता है यूज़ डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स तो ये कुछ फ़िलअप्स uh, हैं ये आप ख़ुद करेंगे ये मैं नहीं करवाऊँगी रीडिंग के हिसाब से आपको ये फिलअप करने हैं उसके बाद है द गार्मेंट एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर और शर्ट एट रुपीज़ थ्री हंड्रेड पर पीस तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से शर्ट गई है तीन सौ रुपये में लेकिन वहाँ पर वो बेच रहे हैं अठारह सौ रुपये में दैट मीन्स ये छः गुना वो प्रॉफिट कमा रहे हैं वहाँ पर तो द क्लोथ एड द अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम रुपीज़ हंड्रेड पर शर्ट तो यहाँ के भी एक्सपोर्टर की अगर बात करें तो उसको जो कॉस्ट पड़ रही है शर्ट की वो सौ रुपये पड़ रही है लेकिन वो बेच कितने की रहा है तीन सौ रुपये की यानी यहाँ पे भी वो थ्री टाइम्स उससे प्रॉफिट कमा रहा है द वर्कर्स वेजेस कॉस्ट अनदर अनदर रुपीज ट्वेंटी फाइव पर शर्ट लेकिन जो वर्कर हैं उसको पच्चीस रुपये पर शर्ट के हिसाब से मिल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम टू रुपीज ट्वेंटी फाइव पर शर्ट कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट फॉर द गारमेंट एक्सपोर्टर तो हम कह सकते हैं कि जो वर्कर है उसका प्रॉफिट 25 फाइव पर शर्ट पड़ रहा है और लेकिन जो गारमेंट एक्सपोर्टर है उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जिसने अपनी मनी लगाई है जिसने अपनी कैपिटल लगाई है तो डेफ़िनेटली उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा बजाय कि उन मज़दूरों के जो वाकई में शर्ट बना रहे हैं हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि जो एक्सपोर्ट फैक्ट्री के मालिक हैं उन्हें शर्ट बनानी आती होगी या वो बनाते होंगे अपनी फैक्ट्री में शर्ट नो no. उनके पास सिर्फ मशीनें हैं उनके पास जगह है उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की है और उसमें बहुत सारे मज़दूरों को वो सैलरी दे दे रहे हैं वो इतना ही काम करते हैं लेकिन असल में वो प्रोडक्ट तैयार कौन कर रहे हैं मज़दूर जो कि उस फैक्ट्री में काम करते हैं तो बट uh, अगर प्रॉफिट की बात करें तो एक गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं और जो फॉरेन बायर्स हैं वो उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन जो वर्कर्स हैं बेचारे वो उनका प्रॉफिट बहुत कम है वो आर द गेनर्स इन द मार्केट गेनर्स मतलब किन को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है मार्केट में चेन ऑफ मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टू बायर्स एट द सुपर मार्केट बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एवरी स्टेप इन द चेंज आप देख सकते हैं कि आपको इस चैप्टर में मैंने बताया है शुरू से ही सबसे पहले कॉटन बिकी उसके बाद जो कपड़ा है धागा है या रॉ मटेरियल जब वो प्रोवाइड करता है उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट देता है तो यानी धागा और कपड़ा बिका उसके बाद जो है शर्ट बिकी शर्ट तैयार हो तो हम कह सकते हैं कि हर स्टेप पे बाइंग और सेलिंग चल रही है किसी ना किसी चीज़ की लेट अस रिकॉल हु आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग डिड दे ऑल गेन एज मच तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वीवर है वो भी उतना प्रॉफिट कमा रहा होगा या जो वर्कर्स है फैक्ट्री में काम करने वाला वो भी उतना प्रॉफिट कमा रहा होगा तो ये हमें साफ साफ नज़र आता है उनके लाइफ स्टाइल से कि वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं कुछ तो ऐसे हैं जिनका अपना घर नहीं है कुछ ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते वो अपने पूरे परिवार के साथ मजदूरी कर रहे हैं तो वो उतना प्रॉफिट अगर कमाते तो डेफिनेटली उनका लाइफस्टाइल अच्छा होता डिड दे ऑल गेन एज मच

अपना खून पसीना बहा रहे हैं बट स्टिल प्रॉफिट वो लोग कमा रहे हैं जो आराम से ऑफिस में बैठे हैं और डील कर रहे हैं मार्केट में तो उसके बाद आ, हम लोग टॉपिक पे आएंगे मार्केट एंड इक्वालिटी तो मार्केट एंड इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है ये क्या हमारी मार्केट में वाकई में इक्वालिटी है या नहीं क्या हम सबको इक्वल प्रॉफिट देते हैं या नहीं वो हम इस पार्ट में रीड करेंगे द फॉर बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट कम्पेयरड टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्ट मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट तो हम कह सकते हैं कि जो फ़ारेन बिज़नेस पर्सन है वो ह्यूज प्रॉफिट बनाता है मार्केट में तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसने कमाया फ़ॉरन बायर्स ने यानी वो ह्यूज प्रॉफिट बनाता है अपना और कम्पेयर टू द गारमेंट एक्सपोर्टर और सेकेंड नंबर पर आता है हमारा गारमेंट एक्सपोर्टर यानी जो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री का मालिक है वो uh, कमाता है ओनली मॉडरेट प्रॉफिट ऑन द अदर हैंड द अर्निंग ऑफ वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बियरली इनफ टू कवर अ डे टू डे नीड्स लेकिन अगर हम बात करें वर्कर्स की जिन्होंने उस कपड़े को बनाया है जिन्होंने उन शर्ट्स को बनाया है तो वो हार्डली अपनी डे टू डे नीड उन पैसों से पूरी कर पाते हैं जो उन्होंने कमाए हैं सिमिलरली वी सॉ द सम स्मॉल कॉटन फार्मर एंड वीवर्स एट इरोड पुट अ लॉन्ग आर्स टू हार्ड वर्क बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइज इन द मार्केट फॉर वट दे प्रोड्यूस तो उनको फेयर प्राइज नहीं मिल रहा है हालांकि वो ही असली प्रोड्यूसर कहलाएंगे क्योंकि उन्हीं में स्किल है उन्हीं की मेहनत लगी है बट स्टिल हम उनको उतना गेन करते हुए नहीं देखते हैं मार्केट में द मर्चेंट एंड द ट्रेडर्स हु आर सम वेयर इन बिटवीन कम्पेयर टू द वीवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट्स स्टिल मच दैन द एक्सपोर्टर तो वीवर हालाँकि मजदूरों से थोड़ा सा ज़्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो एक्सपोर्टर जितना प्रॉफिट कमा पाते हैं

दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस लेकिन जो मार्केट है वो लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को बेच सकें इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द वीवर प्रोड्यूसिंग क्लोथ ऑन द अदर हैंड इट इज़ यूजली द रिच एंड पावरफुल दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग तो लेकिन प्रॉफिट किसको होता है मैक्सिमम अर्निंग किसकी होती है वो है रिच और पावरफुल पर्सन की जिनके बड़े बड़े मॉल्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जिनकी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट भी वही कमाते हैं क्योंकि उनसे बायर्स लेकर जाते हैं जो कंज्यूमर हैं वो उनके पास आता है चीज़ें ख़रीदने अब यहाँ पर एक मॉल की आपको पिक दिखाई हुई है और इसमें बहुत सारे क्लोथ्स दिखाए हुए हैं आपको तो आप क्या सोच सकते हो क्या मॉल के मालिक ने ये सारे कपड़े बनाए होंगे या बनवाए होंगे नहीं ये किसी ना किसी मजदूरों ने कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज में ये कपड़े बने हैं लेकिन वो इसको बहुत हाई प्रॉफिट पर बेचते हैं दीज आर द पीपल हु हैव मनी एंड ऑन फैक्ट्रीज एंड लार्ज शॉप्स लार्ज लैंड होल्डिंग एट्सट्रा पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स इन केस ऑफ स्वप्ना द स्मॉल फार्मर फॉर द रॉ मटीरियल एंड मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स वीवर्स इन द पुटिंग आउट सिस्टम एंड मोस्ट ऑफ वन फॉर द एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री तो हम कह सकते हैं कि जो पावरफुल हैं जो रिच हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं दूसरों को कैसे वो मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं कॉटन जो है वो मार्केट में बिक रही हैं जो ट्रेडर है वो उन्हें ख़रीद रहे हैं अगर हम पुटिंग आउट सिस्टम की बात करें तो उसमें मर्चेंट जो है वो उनको वीवर्स को मार्केट प्रोवाइड करवा रहे हैं तीसरी बात अगर हम गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री की बात करें तो वर्कर्स को काम मिल रहा है क्योंकि वो फैक्ट्री है अगर वो फैक्ट्री ना होती तो शायद वो बेरोज़गार रहते और इतना भी ना कर पाते जितना वो कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ़ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट तो हम कह सकते हैं दे आर एक्सप्लोइटेड उनको उतना वेजेस नहीं मिल पाते उतने पैसे नहीं मिल पाते जितना कि वो काम करते हैं देर आर वेज टू ओवरकम दीज सच एज फॉर्मिंग ऑपरेटिज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड एंश्योरिंग दैट लॉ आर फॉलोड स्ट्रिक्टली तो बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं जिससे कि उनको एक्सप्लोइट ज़्यादा ना किया जाए और सभी को अपना हक मिले इन द लास्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ वन सच फिश वर्कर्स कॉपरेटिव वॉज स्टार्टेड ऑन तावा रिवर तो तावा रिवर के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि इन वर्कर्स के राइट्स क्या हैं और ये कैसे अपने राइट्स को ले सकते हैं तो टिल दिन बबाई होपफुल आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आपने ध्यान से सुना होगा थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी